अहमदाबाद में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। चालीस देशों के 150 पतंगबाज इस बार बना रहे अहमदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव को खास। वैसे तो उत्तरायण पूरे गुजरात में मनाया जाता है, लेकिन अहमदाबाद में इसकी अलग ही धूम देखने को मिलती है, क्योंकि उस दौरान यहाँ होता है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन, जिसमें देश के कोने कोने से लोग हिस्सा लेते हैं। 6 जनवरी से शुरू हुए इस फेस्टिवल में इस बार 45 देशों के मेहमानों ने हिस्सा लिया है। गुजरात टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से उत्तरायण यानी मकर संक्रांति के मौके पर हर साल अहमदाबाद में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। इस बार का आयोजन 6 जनवरी से शुरू हो चुका है, जो 14 जनवरी तक चलेगा। बता दें, यह इस उत्सव का 30वां साल होगा। इस महोत्सव का मुख्य इवेंट अहमदाबाद स्थित साबरमती रिवर फ्रंट पर किया जा रहा है। उत्तरायण के मौके पर आयोजित होने वाले अहमदाबाद के इस कार्यक्रम का स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक भी बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस उत्सव के दौरान केवल मस्ती ही नहीं बल्कि गुजराती लजीज पकवानों का भी स्वाद चखने को मिलता है। आसमान में लगेगा पतंगों का मेला। महोत्सव के दौरान आसमान में अलग अलग आकार और डिजाइन वाले पतंगों को उड़ते हुए देखा जा सकता है। बड़ी बड़ी तितलियों से लेकर डरावने ड्रैगन, घोड़े, बैलून, फ्रूट्स और भी कई तरह की पतंगें आसमान में उड़ती हुई देखने को मिलती है। प्रतियोगी एक दूसरे की पतंग को बेशक काटते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर भी उनमें उत्साह का माहौल बना रहता है। लोग इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए अपने पसंदीदा पतंग वालों से मजबूत पतंगें बनवाते हैं। बांस, मजबूत मंझे से तैयार पतंगों से पेच लड़ाना आसान नहीं होता। ऐसे पुराने शहर में पतंग बाजार के नाम से एक पूरा मार्केट है, जो महोत्सव के दौरान पूरे 24 घंटे खुला रहता है। देश विदेश में मशहूर गुजरात के इस पतंग उत्सव में तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल जाता है, साथ ही इससे हर साल करोड़ों का टर्नओवर भी होता है। फेस्टिवल के दौरान गुजरात की संस्कृति और कला से भी रूबरू होने का मौका मिलता है। पतंग उड़ाने की परंपरा यहाँ पर आज की नहीं सदियों पुरानी है। कहते हैं पर्सिया से आए मुस्लिम व्यापारी और चीन से आए बौद्ध लोगों की देन है। नवाबों के ज़माने में पतंग उड़ाना मनोरंजन का एक अच्छा माध्यम हुआ करता था, लेकिन आज हर कोई पतंग महोत्सव का हिस्सा बन रहा है। अगर आप जनवरी महीने में गुजरात यात्रा पर हैं तो बिना किसी रोक टोक के इसमें शामिल हो सकते हैं।